जी अभी सुबह के 5:30 का टाइम है और अब हम चेकआउट करने लगे हैं इस होटल से। अभी नेक्स्ट शियान जाएंगे जिधर यूनिवर्सिटी है, और पैकिंग शैकिंग पूरी की हुई है, वो बैग दोनों पैक हो गए हैं, ये लैपटॉप का हो चुका है। अभी सिर्फ बार बार यही चेक कर रहा हूँ कि कोई सामान इधर रह तो नहीं गया है। बाकी वेट कर रहे हैं बाहर, मेरे साथ का एक दोस्त है वो भी बुला रहा है कि जल्दी आओ, तो चलते हैं अब इंशाल्लाह। हाँ जी सभी नीचे चले गए हैं, ऑलमोस्ट ये फ्लोर तो सारा जो है वो चेकआउट कर चुका है। मैं अकेला ही हूँ, तो मैं भी इधर लिफ्ट के वेट में हूँ। तो 17 फ्लोर है मेरा, लिफ्ट आ रही है बस 13A पे, तो अभी पहुँच जाएगी 17 पे भी। 16th फ्लोर, 17th फ्लोर और 18th फ्लोर, ये तीन फ्लोर हैं जो चेकआउट कुछ 5 बजे कर गए हैं, कुछ ये 5:30 हम लोग कर रहे हैं। ये साजिद भाई अभी तो वीडियो ही थी। हाँ बस सनत रहे ये लोग, सनत रहे। अभी वापसी इंशाल्लाह अभी शियान के लिए। जी ये इस वक्त हम हैं एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट सॉरी स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे। तो ये यहाँ का तो ट्रेन स्टेशन जो है वो भी हमारे एयरपोर्ट से बड़ा ही है। ये साजिद भाई हैं, हमारे सेम प्रोफेसर है, और इंशाल्लाह आगे जो हमारा 1.5 साल रहता है वो हम रिसर्च करेंगे सेम फील्ड में ही, दोनों प्रोफेसर भी सेम है, सब कुछ सेम है। ये अभी हम जो लोग आए हैं, हमारी 10 बजे की ट्रेन है और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। जी अभी हम शान पहुँचे हैं यहीं पे यूनिवर्सिटी के, मगर अभी हमें जाके क्वारंटाइन होना है। ये शान रेलवे स्टेशन, सर्दी है काफ़ी, टेम्परेचर जो पता नहीं जितना भी है, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 दिन पहले अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है, तो अब देखें क्या बनता है आगे हमारे साथ। अभी ये हम 4 लोग हैं, बाकी हमारे साथ वाले वो पीछे कहीं घूम रहे हैं, उनको भी जाके मिलेंगे। दांत बजना स्टार्ट, सर्दी है। चाइना आके पहली जलालत हो रही है हम लोगों के साथ, ना हमें उनकी समझ आ रही है ना उनको हमारी समझ आ रही है। गलत फ्लोर पे पहुंचे हैं, पता नहीं वो बेचारे खप खपा के, उनको हमने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए मगर वो ये बोल रहे थे कि आप नीचे फ्लोर पे जाओ। फिर खुद वो एक पुलिस वाला आया फ्लोर में अंदर, ये लिफ्ट में उसने करके और बोला है कि चलो नीचे। अब हम 3 पहुँचे हैं, तो चाइनीज भी परेशान है कि बंदे 3 और बैग इनके पास इतने सारे हैं। अभी बाकी जो हैं वो उनका वेट करते हैं, वो भी ऊपर से ज़रा नीचे पहुँचेंगे, तो फिर हम अब देखेंगे कि आगे क्या बनती है। जी हमारे पास सिम नहीं है, तो हमें ग्रीन कोड नहीं है, बस ये पिछले 45 मिनट से हमें खपा रहे हैं, हम उनको खपा रहे हैं, वो हमें खपा रहे हैं। हाँ जी तकरीबन क्या 3.25 घंटे एयरपोर्ट पे जलील होने के बाद अभी हम गाड़ी में बैठे हैं। साजिद भाई 7 लोगों के लिए 3 उन्होंने गाड़ियाँ भेजी हैं, हम भी अभी वो कवर चढ़ा रहा है। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे होटल में। वो यार कर क्या रहा देखो यार, शियान सिटी में हम पहुंच गए हैं इस वक्त
रेलवे स्टेशन से कैंपस की तरफ जा रहे हैं, शान जोतों की तरफ। और नहीं अभी तो फिलहाल होटल पे जा रहे हैं ना। नहीं होटल यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, तो कम ही टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 10-15 या 20 मिनट, आधा घंटा अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम हमारे पास आधा घंटा लग सकता है। तो सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, बहुत थके भी हुए हैं। किस तरह से फिर इनकी जो COVID-19 की जो इनकी SOP से बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो इसे कहते हैं देखो डेवलपमेंट। हमारे एक सेंटर से हम खुश होते हैं। हाँ जी बैठे बैठे, ये बेसिकली जैसे वहाँ पे चेयर थी ना बाहर सामान रखने को, यहाँ पे ये है, एक ही फ्लोर मिल गया हमको। तो इस होटल में सेमिनार तो अटेंड किया है लेकिन पहली दफा। चलें ये कोरोना की वजह से अब यहाँ पे क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। हमें चीज मिल गई है ठीक है, मगर बेकार है, ओपन नहीं हो रहे। तो अब उनको बुलाया है कि हमें एक्टिव तो करके दें जी। रूम में पहुंच गए हैं और ये हमें पानी का स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा मिल गया। वहाँ पे तो हमें 3 युआन की एक पानी की बोतल मिलती थी। ये अभी जी साजिद भाई, क्या नहीं ठीक मिले हो रहा आपका? वो चप्पल वप्पल ढूंढ रहा हूँ। चप्पल वप्पल जो वहाँ से उठा के लाए वो वाली यूज़ करें ना जी। ये जो हम अभी क्वारंटाइन है, यहाँ से यूनिवर्सिटी का व्यू, ये एक कैंपस है हमारी यूनिवर्सिटी XJTU शियान जाओथोंग यूनिवर्सिटी। और ये कैंपस है शायद यंटा कैंपस है, ये लैब्स हैं। हम बाहर तो नहीं जा सकते मगर यहाँ से जितना का देख सकते हैं यूनिवर्सिटी को वो हमारे सामने। और ये बाकी बैक पे ये शियान सिटी बहुत खूबसूरत है। हमारा ये कैंपस तो नहीं है अभी, ये जस्ट एक साइड है। तो कैंपस तो है तो बहुत बड़ा, क्योंकि ये अभी रूम से जस्ट इतना दिख सकता था। वैसे हमारा जो है कैंपस वो आई हार्बर कैंपस है। तो हम अपने 14 डेज यहाँ पे कंप्लीट करके क्वारंटाइन वाले फिर हम आई हार्बर में मूव करेंगे। ये डेली सुबह सुबह आते हैं टेस्ट करने के लिए, तो इसीलिए अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है कि फिर बाद में आके नॉक करेंगे चाइनीज़। तो अभी बाहर से आवाज़ आ रही है तो अब उम्मीद है वो आ गए होंगे। अभी तक वो चाइनीज़ तो नहीं आए हैं इन्हीं का शोर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाउ आर यू? फाइन फाइन, एवरीथिंग इज गुड। यस, ये चाइनीज़ ने आज नहीं आना, ये मैं सो जाना फिर आएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ हाँ ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर? फाइन जी। ये भी खाना रख के मुबारक हो आपका, आपको बहुत भूख लगी होनी है। ये रहा, आ जाए साजिद भाई। ये हेलो, ये आ गए जी चाइनीज टेस्ट करने को। मेरी बारी आने लगी। नेम, वही नेम, अपना पासपोर्ट नंबर और अपना सेल फोन नंबर वो लिख दो। जी कॉफ़ी रेडी है। टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे शियान में नेगेटिव में है, -5, -6। रात को ज़्यादा हो जाता है, तो इस टेम्परेचर में कॉफ़ी का अपना ही मज़ा है। तो अभी अभी कॉफ़ी बनाई है जी। ये
अभी नाइट व्यू। नाइट का व्यू भी बहुत अच्छा है, खासकर यहाँ पे खड़े होके और ये चाय पीने का भी अलग ही मज़ा है।